बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं कि जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो है आज 7 T20 मैचों की सीरीज़ का बाकायदा आज नेशनल स्टेडियम में आगाज़ होने वाला है, जहां पर दोनों टीमें इस वक्त नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं और 7 बजे ये मैच जो है खेला जाएगा। पहला T20 मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाना है। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान मैनेजमेंट ने जो है शान मसूद को जो है आज डेब्यू कराने का T20 में फैसला किया है। तो शान मसूद जो है पाकिस्तान की जानिब से 97वे खिलाड़ी बन जाएंगे जो T20 क्रिकेट में जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे। इसी हवाले से हमारे साथ आज बात करने के लिए हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन साहब, उनके साथ मौजूद हैं मजर आवान साहब और उनके साथ मौजूद हैं हमारे हरदिल अजीज शाहिद नवाब साहब, जिन्हें हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है कमेंट्री करते हुए भी देखते हैं और तमाम चीज़ों में, खासकर जो पाकिस्तान के अंदर जो मैचेज होते हैं उसको भरपूर तौर पर जो है नज़र भी रखते हैं और आज इनसे जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत सी अहम चीज़ों पर जो है सवालात भी करेंगे और खासकर इस वक्त जो पाकिस्तान के सबसे बड़ा इशू चल रहा है स्कॉटनी के हवाले से, तो इनसे भी ये आज इस पे डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले जाफर साहब के पास आते हैं। जाफर साहब, पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान 17 साल के बाद जो है आज नेशनल स्टेडियम कराची में मैच खेला जाना है, 7 बजे मैच का बाकायदा आगाज हो जाएगा, तो कैसा देखते हैं इस मैच को? और फिर पाकिस्तान की जानिब से आज जिनके लिए काफी आवाजें उठती दिखाई दी कि इस लड़के को टीम में शामिल किया जाए, क्यों गो के उसने जो है टेस्ट मैचेस और वनडे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, आज पहला T20 मैच खेलेंगे शान मसूद, क्या कहेंगे शान मसूद के हवाले से? पहले देखें, सबसे पहले बात यह है कि बहुत ही जोश और खरोश है आज के मैच के लिए और जिस तरह ये मैच रखा गया है कि सैलाब जदगान के लिए, जिसकी जो गेट मनी है वो सारी जो है ना सैलाब जदगान के लिए जाएगी, तो ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है और दोनों टीमों जो है ना पुरजोश हैं, 3 दिन से वो बिल्कुल तैयारियों में भी मसरूफ़ है। इवन ये कि आज जो मैंने देखा कि तमाशाइयों की बड़ी तादाद मौजूद है वहाँ पे, इवन कुछ लोग सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए थे जिनसे मेरी बात भी हुई, किसी ने कहा कि भाई हमें तो पता चला था कि सैलाब जदगान के लिए जो है ना फ्री है टिकट, तो कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई जो फ्री टिकट समझ के आ गए थे और उनको अभी थोड़ा सा परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपने बात की शान मसूद के, नो डाउट बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया और ऐसा लगा है कि जिस तरह के ये दरवाज़ा तोड़ कर दाखिल हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनके गुज़िश्ता 1-1.5 साल में और उनको चांस मिलना भी चाहिए था। जिस तरह मैंने पहले भी प्रोग्राम में आपसे कहा था कि उनको एशिया कप में चांस मिलना चाहिए था, वहाँ उनको नहीं खिलाया गया, हालांकि सारे जख्मी खिलाड़ियों को वहाँ पे खिलाया गया। अभी भी जो उनको शामिल किया गया है वो फ़खर जमान के इंजरी की सबब दाखिल किया उनको शामिल किया गया, तो अगर इंजरी के सबब शामिल हो रहे हैं कोई खिलाड़ी तो मेरे ख्याल में ये अच्छा साइन नहीं है किसी के लिए भी, सेलेक्टर के लिए। जो लड़का परफॉर्म करता हुआ है और उसको इंजरी के बेस पर में शामिल किया जाए तो उसके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी नजर आती है। देखिए, शामिल तो मैंने कहा ना पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन ये मौका अच्छा है क्योंकि होम ग्राउंड है उनका और होम क्राउड के सामने बड़ा अच्छा मौका है कि पहली मरतबा वो T20 खेलेंगे। इसके अलावा हारिस का भी है खेलने का, क्योंकि रिजवान जो है ना वो भी अभी सेहतियाब नहीं हो सके हैं, तो मोहम्मद हारिस भी जो है ना वो विकेट कीपिंग करते आपको दिखाई देंगे। इवन ये कि 7:30 बजे मैच शुरू होगा और बड़ा अच्छा एक माहौल बना हुआ है, जो कि मैं पिच अभी देख कर आया क्योंकि मैं अभी स्टेडियम में मौजूद था, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग दोनों को सपोर्ट करेगी और एक अच्छे रन्स जो है ना वो बनेंगे। अगर दुआ करेंगे पाकिस्तान टॉस जीत जाए ताकि मैच जो है ना वो भी जीते पाकिस्तान, तो हमारी तो यही ख्वाहिश है। बिल्कुल ख्वाहिश है आपकी कि पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान आज का मैच जीते। मजर साहब, कैसे देखते हैं आज के मैच को? पहले काफी अरसे के बाद जो है वो 17 साल के बाद जो है इंग्लैंड की टीम आई है, ये हमारे लिए बड़ा खुशाइंद है और जो है ये खुशी का मौका है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है का रिवाइवल हुआ है और जितनी बड़ी टीमें आएंगी, जिस तरीके से माहौल जो है, जिस तरीके से थोड़ा सा मसले मसाइल थे, जैसे बड़ी टीमें नहीं आ रही थी, जैसे न्यूजीलैंड आई और चली गई, ये ऑस्ट्रेलिया आई, ऑस्ट्रेलिया ने पूरा खेला, उसके बाद थोड़ा सा उनको इंग्लैंड को थोड़ा हौसला हुआ तो वो उन्होंने अपना जो है ना कैंसिल जो किया था उन्होंने दोबारा आके जो है ना यहाँ पर अपना वो चीज़ वो पूरी कर दी और यहाँ पर 7 जो है ना जो T20 होंगे यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और दूसरी चीज़ ये कि जो है ना पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए तो बेहतरी होगी और साथ साथ जो है जो वर्ल्ड कप अभी होने जा रहा है उसके लिए मुकम्मल तौर पर प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बहरहाल ये जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की आवाम जो है एक ऐसा गेम है जो है उससे मोहब्बत करते हैं और ये एक ऐसा गेम है जो सबको जो
जोड़ देता है। तो इस वक्त जिस तरीके से जो है ना हम लोगों के यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, सैलाब जदगान है, इतनी सारी प्रॉब्लम आई है, ये एक छोटा सा जो है ना खुशी का मौका है जिस पे जो है ना इंग्लैंड ने हमें, इंग्लैंड आई है और हम चाहते हैं कि बेहतर तरीके से ये मैच हो, पाकिस्तान की अच्छी प्रिपरेशन हो, पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान की टीम अच्छा खेले और ये सीरीज़ जीत के जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर जाए। जब वो अंदर जाए, जब वर्ल्ड कप के लिए जो है ये सीरीज़ जीत की जाएगी तो यकीनी तौर पे जो है ना उनके दिल भी बड़े होंगे और उनका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप करता नजर आएगा। शायद नवाब साहब पाकिस्तान के लिए बड़ी नज़रें होती हैं आपकी, मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर कमेंट्री करते भी नज़र आते हैं, ऑर्गेनाइजर भी हैं, फिर मुख्तलिफ खेलों से वाबस्तगी भी है आपके, तो क्रिकेट के अंदर आपका लगाव बहुत ज़्यादा है। अब हम ही अभी देखा कि पाकिस्तान के T20 नेशनल T20 हुई, उसमें साइम अयूब ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, तो समझते हैं कि सेलेक्टर्स को भी ये जो सात मैचों की सीरीज है, गो के पाकिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया, लेकिन इस लड़के पे नजरे करम करनी चाहिए। जनाब अली बहुत शुक्रिया आपने मधु किया। पहली बात तो यह है कि इस मैच के हवाले से मुल्क के सबसे बड़े शहर में बहुत अच्छी बात है, सीरीज हो रही है और 17 साल के बाद हो रही है। मैं सबसे ज्यादा ख्याल तहसीन पेश करूंगा जो नेशनल स्टेडियम के पास की आबादी उन लोगों को, कि वो लोग जितना इसमें ज़्यादा उनकी बड़ी कुर्बानी होती है और घर की खातिर सो दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है, तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। तो इसमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए कि जो आसपास रहते हैं, दुकानें बंद रहती हैं, कारोबार थोड़ा मुतासिर होता है, सबसे पहले बात तो ये। दूसरी बात यह कि साइम अयूब की मेरी गुजारिश है और मुतालबा तो नहीं है, दरख्वास्त है कि साइम अयूब को होम सीरीज़ है टीम के साथ फ़िलहाल रखें। हमें भूलना नहीं चाहिए कि साइम अयूब की परफॉर्मेंस, और मेरी तो बड़ी खुशी दुबाला हो जाती है कि ही इज़ माई स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट रहे वो, और ग्रास रूट लेवल पर जब वो अंडर 16 थे, अंडर 19 थे, तो वो हमारे पास ही थे, स्कूल क्रिकेट हमने ही खिलाई है उनको, तो हमारी तो खुशी की इंतहा नहीं है कि साइम अयूब जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, और साइम अयूब जैसे प्लेयर और भी हैं, ये मैं इसमें क्रेडिट दूंगा कोच मोहम्मद मसरूर को। मोहम्मद मसरूर की जो कोचिंग का स्टाइल है, उनके प्लेयर देखें आप, साइम अयूब, मिर्ज़ा साद बेग, ताहा, हमाद आलम, उमैर बिन यूसुफ, ये जितने प्लेयर्स हैं इनकी बतौर खास कोचिंग मोहम्मद मसूर मुख्तलिफ औकात में और मुख्तलिफ सालों में करते रहे हैं, जब ये अंडर 16 थे, तो इन सबको आप खेलते हुए सारे के सारे एग्रेसिव हैं, खेल इनका देखते हुए बड़ा मजा आता है। तो अल्लाह करे कि ये होम सीरीज, और होम सीरीज में जिस तरह अबरार अहमद को शामिल किया गया है, बिल्कुल इसी तरह अगर ये साइन को भी टीम के साथ रखें, बेशक आखिरी मैच खिला दें, कम से कम 7 टीम के रहेंगे तो उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, और जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो हिचकिचाहट नहीं होगी साइम अयूब को, जो एकदम से उनको जब खिलाया जाएगा तब होगी, तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा साइम अयूब के लिए। बिल्कुल ज्यादा अच्छा होगा साइम अयूब के लिए टीम के साथ रखा जाए। जाफर साहब, इस नेशनल T20 के अंदर हमने देखे 3 से 4 बैटर्स निकल कर आए, फिर शजील खान ने भी बड़ी उमदा परफॉर्मेंस दी नेशनल T20 के अंदर, सुहेल खान बड़ी अच्छी परफॉर्म करते नजर आए इस टूर्नामेंट के अंदर नेशनल T20 में, तो कैसा देखते हैं इन प्लेयर्स को, कम अज कम फिर इनके साथ जो पाकिस्तानी टीम के साथ ग्रूम करना चाहिए दोबारा? देखिए, सिलेक्शन कमेटी का क्राइटेरिया नहीं है T20 नेशनल टूर्नामेंट, वो जब भी सेलेक्ट करते हैं वो PSL की बुनियाद पे करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि नेशनल T20 हुआ, मेरे ख्याल में कौम की मुख्तसर लोग जो क्रिकेट से वाबस्त हैं उन्होंने ये T20 मैचेस देखे हैं, वरना आपको पता है कि इस तरह के अगर मैचेस होते हैं वो कराची या लाहौर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग देखने का आते हैं। इवन ये कि मुल्तान में जब खेला गया फाइनल में इतना क्राउड नहीं था जितना कि होना चाहिए था, तो एक मकसद ये है कि एक इवेंट हुआ, बहुत अच्छा हुआ और आउट क्लास किया सिंध ने, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे ऐसे बैट्समैन भी आपके सामने निकले हैं, उमर बिन यूसुफ जिसकी बात करें मुझे बड़ी पसंद आई उनकी बैटिंग, इवन साइम की बड़ी अच्छा क्लाई के साथ जो खेले, बड़े अच्छा खेला उन्होंने। लेकिन बात यह है कि नेशनल T20 से जो है ना वो सेलेक्टर्स की निगाहें नहीं होती, बड़ी दूर होती हैं, वो देखते ही नहीं है उस तरफ ना कि कोई नेशनल T20 भी हो रहा है। तो मकसद ये है कि अगर आप ये देखें कि वहाँ से खिलाड़ी लेके अब टीम के साथ शामिल करना, मेरे ख्याल में कोई सेलेक्टर इस पे तवज्जो नहीं देगा कि अब जो है ना वो किसी को शामिल कर सके। अच्छा, सरफराज अहमद के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि नेशनल T20 में सरफराज अहमद की भी परफॉर्मेंस बड़ी उमदा रही है। नो डाउट, मैं आज देख रहा था कि उन्होंने जो है ना सबसे ज़्यादा कैचेस पकड़े हैं, इवन ये कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और सरफराज को तो कहते हैं कि मिडल ऑर्डर में अब जब ज़रूरत है तो वो ले ही नहीं रहे, हालांकि अभी क्राउड भी जो नेशनल स्टेडियम में पहुंचा हुआ था वो सरफराज के बैनर्स लेके पहुंचे हुए थे कि भाई ये ज़्यादती हो रही है उनके साथ, जो है ना उनको कम से कम शामिल करना चाहिए।
तो इस तरह सरफराज की ये है कि उनको शामिल कर लेना चाहिए था, लेकिन की बात हो रही है तो थोड़ा सा हम हटके जो है पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज से थोड़ी सी अलग बात करते हैं। स्कॉटनी के हवाले से मदर साहब, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है स्कॉटनी के मामलात पर जो है मुजाहरे किए जा रहे हैं। कराची में भी कल मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, क्लब के मेम्बरान की जानिब से मुजाहरा किया जाएगा कराची प्रेस क्लब पर, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया कि ये बहुत ही जो है ना मेन इशू इस वक्त जो है ना पूरे पाकिस्तान में है। दरअसल ये स्कूटनी नहीं थी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पाकिस्तान के ग्रास रूट लेवल पे और पाकिस्तान के जितने भी क्लब्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया। हमें इस बात का इतना अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौन होती है जो हमारे क्लबों को बोगस कहना, वहाँ पर क्या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? उनका मकसद उस बोगस का मतलब उनको नहीं पता क्या? बोगस का मतलब होता है जाली लोग, जिनके पास जो है डॉक्यूमेंट जाली हो, जो के जो जिनका कोई किरदार नहीं हो। हमारे क्लब ये कौन लोग होते हैं जो बोगस करने वाले? जो है क्लब हमारे हैं, हम 50-50 सालों से जो है इन क्लबों को चला रहे हैं और आज ये कह रहे हैं कि बोगस हैं। ये दरअसल ये जो माफिया जो है क्रिकेट बोर्ड के अंदर आया हुआ है, हमें इस बात का अफसोस होता है कि वो खुद इसी इन्हीं क्रिकेट जिन क्रिकेट क्लब को उन्होंने बोगस किया है उन्हीं क्रिकेट क्लब की पैदावार है। आज जो जो ये तनख्वाहें 5-5, 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं, ये कि हमारे क्लबों की वजह से ले रहे हैं, ये उन ऑर्गेनाइजर्स की वजह से ले रहे हैं जिन ऑर्गेनाइजर्स ने अपने बच्चों का पेट काटा और इनको बेशर्मों को, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इनको जो है क्रिकेट खिलाई ताकि जो है ना ये क्रिकेट खेलें और जो है ना उन्होंने क्रिकेट खेलने का उन जो है ना उसका हमें बदला दिया कि हमारी क्रिकेट को, पूरी कराची की क्रिकेट को जान बूझ के निशाने पे रख के। आप इस बात से अंदाज़ा कर लें कि 231 क्लबों में से आपने 28 क्लबों को जो है वो वोटिंग पावर दी और उसमें से 18 क्लबों को आपने खेलने का। भाई आप कौन लोग होते हैं जो हमें मना करने वाले? क्या आप हमें पैसे देते हैं? पैसा तो हम लगाते हैं भाई, इन लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ है जो है ना जो हमें पैसा दें? अभी पैसे के मामला पे भी तो इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है मैचेस पे जो है पैसे आप क्लबों से मांगते हुए आ रही है। अभी उसी तरफ जा रहा हूँ, देखें ये लोग कह रहे हैं कि जो टीवी पे आके जो है ना आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि हम लोग जो है ग्रास रूट लेवल पे जो है वो जो है पैसा लगा रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पे नहीं लगा रहे ये पैसा वहां लगा रहे हैं जहां पर इनको कमीशन मिल रहा है। अगर ये कहते हैं भाई हमारी हमारे जो है क्लब जाली है, बोगस है, तो इसका मतलब है इनका पूरा विंटर क्लब जो है ना जाली था। इनके ही स्कोरर थे, इनके ही एम्पायर थे, इनके ही कोचेस ने हमारे क्लबों की किस स्कूटनी उस टाइम पे की, हर एक का शनाख्ती कार्ड प्लेयर का लेके और इन्होंने मैच खिलाए। अगर आप समझते हैं कि वो क्लब जो है जिन्होंने विंटर क्लब जीता है, आज उन क्लबों को आपने जो है बोगस करार दे दिया गया, ये कौन सी भाई हमारे साथ करना चाह रहे हैं? दरअसल ये एक सोची समझी स्कीम है कि ये पाकिस्तान के जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजर्स हैं जो जिन्होंने बच्चों को जो है आगे बढ़ने के लिए जो है मौके फराम करते हैं, ये चाहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजर जो हैं वो बिल्कुल साइडलाइन हो जाएं और जिस तरीके से हॉकी के लिए प्लेयर नहीं मिल रहे इस तरीके से क्रिकेट के लिए प्लेयर ना मिले। ये हम जो है इस चीज़ के पुरजोर मुजम्मत करते हैं और इसी पर जो है आज जो है इस्लामाबाद में जो है सरापा एहतजाज है, कल इंशाल्लाह ताला कराची के जो है सारे क्लब 231 क्लब जो है कल जो है सरापा एहतजाज होंगे प्रेस क्लब के ऊपर। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे आएंगे और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितने भी हमारे जो है क्लब के प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, जितने भी प्यार करने वाले लोग हैं, आप कल देखिए होंगे और इनको पता चल जाएगा। आप देखें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये कौन होते हैं कि हमें कह रहे हैं कि आप एफिलेटेड हैं, आप हमारे जो है एसोसिएटेड हैं? और भाई हमें तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है कि हम आपके एसोसिएटेड, आप हमें एसोसिएटेड बना रहे हैं। भाई आप ज़रूरत तो आपको है हमारी कि हम आपको बच्चे दे रहे हैं, हमारे क्लब है भाई, आप हमें एसोसिएट, आपको तो आप हमें दे ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है भाई, ना तो एसोसिएट की ज़रूरत है ना हमें एफिलेट की ज़रूरत है, हम अपनी क्रिकेट खुद कराएंगे, हम अपनी जो है क्रिकेट को खुद चलाएंगे, हम अपने बच्चों को जो है ना वो करेंगे। एक और चीज़ आपको आज आपको एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, कराची क्रिकेट एसोसिएशन के तहत हम जो है ना क्रिकेट करेंगे। ये लोग कौन होते हैं कि 2014 का जो है कॉन्स्टिट्यूशन कैंसिल करके 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन लिया है? हम तो उस वक्त तक बर्दाश्त करते रहे कि जो है चले शायद कोई अच्छी बेहतरी की तरफ। 2019 में आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई?
देखें जी, हम लोग उस वक्त 2 अगस्त 2019 में जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का किया, हम समझे, सब लोग ये समझ रहे थे कि शायद कोई बेहतरी की तरफ जाने जा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई बेहतरी आ जाए। इनको, इन बेशर्मों को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहते हैं ग्रास रूट लेवल पे हम जो है वो जो है ना पैसा लगा रहे हैं। 5,000 रुपये का पे ऑर्डर लेके आपने हमारे क्लबों को पहले रजिस्टर्ड कराया, उसके बाद आपने प्लेयर्स का जो है प्रोटोकॉल खोला, उसके अंदर हमने अपने लड़के डाले 2 साल पे। अब देखें ये सोची समझी स्कीम, देखें जी हम लोग तो इन डॉक्यूमेंट्स, देखें क्रिकेट होती है, ये लैपटॉप के क्रिकेटर हैं, ये एक लैपटॉप लेके बैठते हैं और लैपटॉप के ऊपर क्रिकेट कर रहे हैं। हम लोग ग्राउंड में रहने वाले लोग हैं, हमने ग्राउंड पे जाकर क्रिकेट खेली। इन्होंने 5,000 रुपये का पे ऑर्डर लेके पहले हमारे से करोड़ों रुपया वो लिया, उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई हम जो है ना आप अपने प्लेयरों की लिस्ट दें। 2 साल पहले हमने अपने प्लेयरों की लिस्ट दी, उसके बाद इन्होंने कहा कि स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी 4 महीने के बाद होती है भाई, 2 महीने के बाद होती है। इन्होंने स्क्रूटनी का इतना लंबा प्रोसेस कर दिया ताकि लड़के जो है मौजूद नहीं हो। आपने ग्रास रूट लेवल पर अपने डिपार्टमेंट खत्म कर दिए। जब आपने डिपार्टमेंट खत्म कर दिए तो लड़का कहां से आएगा जी? लड़का तो उस वक्त आएगा जब उसको रोजगार मिलेगा। इस वक्त रोजगार जो है वो है ही नहीं। आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद कर दिया। आपने जब आपने सोची समझी स्कीम के तहत जो है आपने ग्रास रूट लेवल को खत्म करना है, क्लब को खत्म करना है, तो आपने डिपार्टमेंट खत्म किया। जब डिपार्टमेंट आपने खत्म किए, इसका मतलब है कि आपने बच्चों का रोजगार छीन लिया। बिल्कुल, बच्चों का रोजगार छीन लिया। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है जमील अहमद साहब ने। जमील साहब क्या कहेंगे स्कॉटनी के हवाले से? कल आप लोग मुजाहरा करने जा रहे हैं कराची प्रेस क्लब पे, क्या मामला अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आप लोग के तय नहीं पाए? नहीं जी, बात यह है कि जो है ना हमने जो है ना बड़ा मौका दिया पीसीबी को, लेकिन पीसीबी ने जिस तरह की व्याख्याएं की हैं 3 साल से कर रहे हैं, और हमने पूरी कोशिश की कि यार हमने ये वक्त जो है ना गुजर जाए, लेकिन जो है ये इन्होंने, अच्छा हमारा जो मुजाहरा है ना, इस वक्त जो मुजाहरा है वो सिर्फ इस बात के ऊपर है कि हमारे जो क्लब सूची हुई है यहाँ पर वो इन्होंने बहुत गैर मुंसिफाना की, और हमारा हर क्लब जो है ना परेशान है। कराची के कापुर डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो परेशान है कि हमारा क्रिकेट में रहने में क्या फायदा है अगर हम जो है मतलब हमारे कलर ही खत्म हो जाएंगे। देखिए क्रिकेट के अंदर इससे पहले 2006 में स्कूटी हुई, 2013 में स्कूटी हुई, उसके अंदर जो है ना एक्टिव क्लब होता था और इनएक्टिव होता था, फाल क्लब और गैर फाल क्लब, समझे ना। इन्होंने जो है ना एक नई वो लेकर आए, इस तरह बोगस यार कुछ शर्म आनी चाहिए ये फाल करते हुए। बोगस क्लब मतलब बोगस क्या, जो लोग 40-40 साल से क्लब चला रहे हैं आप मुझे बताएं वो बोगस हो गए वो क्लब? अगर किसी के 2 लड़के काम है तो बोगस हो गया, अगर किसी के अंडरटेकिंग पे 1 या 2 लड़कों के दस्तखत नहीं है तो क्या बोगस हो गया? मतलब इन्होंने अल्लाह माफ करे जरगमाल बनाया है। तो जमील साहब जो प्रोसेस है स्कॉटनी का वो 3 माह 6 माह होना चाहिए, इन्होंने तो लंबा अरसा खींच लिया, साल से जायद। नहीं 18 महीने हो गए, 18 महीने हो गए रजिस्ट्रेशन, क्लब रजिस्ट्रेशन में और स्कूटी में। देखिए इनकी बदनीयती है, ये चाहते ही नहीं है कि इख्तदार जो है वो सही लोगों को मुस्तकिल हो, तो इनकी बदनीयती है और ये इसकी वजह से इसको खींचते हैं। स्कूटी में 4 महीने लगा दिए, उसमें 1.5 साल लगा दिया रजिस्ट्रेशन में, ये कौन सा तरीका यार? कहीं दुनिया में सुना है आपने कि 3 साल के लिए एडॉप लग गई हो? यहाँ 3 साल से कोई लगा हुआ है एडॉप लगा हुआ है? 3 साल में इन्होंने सिर्फ एक टूर्नामेंट कराया है विंटर लीग के नाम से, जिसको मैं कचरा क्रिकेट कहता हूँ, वो कचरा क्रिकेट है, समझे ना, हम उसको मानते। इतना मतलब आप हैरान हो जाएंगे, आपके पास जो है टैलेंट ही नहीं है। अगर टैलेंट होता ना ये दरा तरक कर दिए तो आप जो है पाकिस्तान की जो टीम खेल रही है इसमें मिडिल ऑर्डर आपका इतना कमजोर है, लेकिन ये है कि आपको उनको खिलाना पड़ेगा, आपको टैलेंट नहीं है, समझे ना। तो ये बिल्कुल जमील साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा, शाहिद नवाब साहब के पास आते हैं। शाहिद नवाब साहब, जिस तरह क्लब ही जो है प्लेयर्स निकालता है, अगर ये जातियां प्लेयर्स के साथ भी एक तरफ होती दिखाई देंगे, क्योंकि क्लब नहीं रहेंगे तो प्लेयर्स कहाँ से निकल के आएंगे? जिस तरह जमील साहब कह रहे हैं कि हमें तो अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर मिडिल ऑर्डर का फुकदान नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? जनाब अली, आपसे हमारी जो गुफ्तगू थी वो खत्म हुई थी अबरार अहमद पे जी। अबरार अहमद पे खत्म हुई थी, अच्छे स्पिनर हैं, परफॉर्मेंस दिए पाकिस्तानी टीम में, अबरार अहमद से ही शुरू करते हैं और स्क्रूटनी पे आते हैं। अबरार अहमद का ताल्लुक जिस क्लब से है उसे बोगस करार दिया गया है, तो बोगस क्लब ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को प्लेयर दे रहे हैं। ठीक है जी, एक ये बात हो गई कि अबरार अहमद साहब का ताल्लुक है लायंस एरिया जिमखाना से, उनके पास अपना ग्राउंड है, हर थर्सडे को
और वीकली दो मैच खेलते हैं वो, और दूसरी टीमों को बुलाते हैं, हमें भी बुलाते हैं लाइन देगा जिम खाना। हमारा क्लब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटर क्लब विंटर लीग में रनर अप है 32 टीमों में। और मेरी खुशी की बात यह है कि मैं अपनी जो बात कह रहा हूँ, जाफर हुसैन साहब भी एक टीम से खेले हैं और हमारी टीम को इन्होंने देखा है और बड़ा सराहा, ये अच्छी हो गई बात, इत्तेफाक से यहाँ मौजूद है, हुसन इत्तेफाक है, हमारी टीम उसकी रनर अप हुई। हमारे अंडर 19 इस साल डिस्ट्रिक्ट में 11 में से 9 प्लेयर थे, 11 में 9 प्लेयर हमारे बॉब गुलमर क्रिकेट क्लब के शामिल थे। उसके बाद नया मरल आया डिवीजन का, उसमें माशाल्लाह 5 प्लेयर सेलेक्ट हुए। उसके बाद जनाब अली सिंध की टीमें बनी, हमारे 4 प्लेयरों का नाम सिंध की टीमों में आया वाइट्स और ब्लूज में। फिर अभी मौजूदा जनाबे वाला जो पाकिस्तान जूनियर लीग हुई है उसमें 3 प्लेयर हमारे जो पिक किए गए हैं, उनमें एक मिर्जा साद बेग जो हैं, जो वनडे के बेहतरीन बैट्समैन भी करार पाए हैं, मिर्जा साद बेग कप्तान भी हैं एक टीम के हैदराबाद हंटर्स के, और इसके अलावा भी वो जनाब अली खेलते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम कैसे बोकस हो सकते हैं कि अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है। देखिए मेरी तो पहली ख्वाहिश ये थी जनाब वाला कि बेशक मुझे ना बुलाएं आप, जाफर साहब भी हों और जमील भाई हों, मजहर भाई हों, KPMG जिसने ये स्क्रूटनी की है उसका एक नुमाइंदा या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुमाइंदा, ताकि उनके सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे को लेने की हमने कोशिश की लेकिन वो फोन हमारा पिक नहीं कर रहा। अच्छा देखिए, और ये जो क्लब है, क्लब को मरकजी हैसियत हासिल है। बच्चा आता है, ऐसा नहीं होता है आपकी हाइट अच्छी है आप क्रिकेटर बन जाएं, आए हमारे पास, नहीं जी, एक सिस्टम है, स्कूल है, गली में खेलता है, गली में यहाँ खेलता है, मुख्तलिफ जहाँ जगह की खाक छानता है, इधर जाता है, क्लब में आता है, क्लब मरकजी हैसियत है। क्लब से जब वो प्लेयर बनता है तो फिर वो आगे डिपार्टमेंट में और ट्रॉफी में जाता है, यही साइम अयूब है, यही सारे प्लेयर होते हैं। तो क्लब की हैसियत को आप खत्म करना चाह रहे हैं, ये जबकि बहुत बुरी बात है। और मैं आपको बता दूं, ये मैंने अपने क्लब की बात की, लाइन एरिया आगा खान जिमखाना है, दूसरे जो अपने ग्राउंड में वीकली खेलते हैं, अल नादी अल बुरहानी को आपने वोटिंग राइट्स नहीं दिए, वो हर हफ्ते 2 मैच खेलते हैं, उनका अपना ग्राउंड है, डॉल्फिन क्रिकेट क्लब है, बकाई डॉल्फिन क्रिकेट क्लब को आपने कह दिया कि बोकस है, हफ्ते में एवरी ट्यूजडे एंड एवरी थर्सडे मैच खेलते हैं, टीमों को वो देते हैं जनाबे वाला ट्रांसपोर्ट देते हैं पिक एंड ड्रॉप की, और लंच भी कराते हैं और फुल डे मैच खेलते हैं, वो कैसे बोकस हो जाएगा जनाबे अली? आपने बोकस कहकर ये अपने लिए देखिए, ये जो आपने कहीं ना बात सवाल आपने किया कि 2019 में आप क्यों नहीं थे, तो अगर हम 2019 में आते ही बोर्ड के खिलाफ हुए तो फिर ये होता जो जमील साहब ने भी कहा कि आपने उनको मौका नहीं दिया, जो काम इन्होंने किए हम उसमें खामोश रहे या इनको सराहा गया ये सारा मीडिया जानता है। लेकिन अब आपने लफ्ज बोकस, और बोकस भी किसको, जो पाकिस्तान को प्लेयर दे रहे हैं, पाकिस्तान सीसी पाकिस्तान का नंबर 1 क्लब है उसको आपने वोटिंग राइट छीन लिया, शामिल क्रिकेट क्लब एक बड़ा एक्टिव क्लब है उसको आपने वोटिंग राइट छीन लिया। लग ये रहा है कि ये कराची को कुछ कम टीमें करना चाहते हैं कि जब डिस्ट्रिक्ट में ऐसी टीमें नहीं होंगी, तो आप बोकस का मतलब देते हैं जाली हैं, आप हैं ही नहीं। बोकस का मतलब सरासर ये कि कोई वजूद नहीं है, सिर्फ ये कंप्यूटर पे ये ऑनलाइन टीमें हैं, ये ग्राउंड में नहीं है। और जनाबे वाला भाई, हम ग्राउंड में ही हैं, हम तो बात पर हम कंटिन्यू करते हैं जाफर हुसैन साहब से। जाफर हुसैन साहब, जो क्लब जो है पाकिस्तान को प्लेयर्स प्रोवाइड कर रहे हो उनको बोगस करार देना, ये सरासर जाती है। देखिए अगर बोगस, ये 3 साल बाद इनको याद क्यों आ रहा है कि ये क्लब बोगस है? इस 3 से 4 साल में उस क्लब ने कितने मैचेस खेलने हैं? लास्ट ईयर भी जो है ना PCB का ही वो शेड्यूल टूर्नामेंट हुआ था जिसमें इन्हीं क्लब ने शमूलियत इख्तियार की थी और टूर्नामेंट खेला था। अब इन्होंने पहले तो काफ़ी अरसा लगा दिया है कि इस स्क्रूटनी के हवाले से। दूसरा ये है कि आप ये देख रहे हैं कि यार अपने मनमानी का अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, जिस तरह के मुझे पता चला है कि कोई 200-300 सफ़ों के कागजात हैं जिन पे जो है ना आपने पूरा एक एक चीज़ को पढ़कर आपने एक एक चीज़ को जो है ना गो हेड देना है, तो उसमें तो मिस्टेक किसी की भी हो सकती है, जितना पढ़ा लिखा इंसान होगा उसकी भी हो सकती है भाई, हम तो फिर भी जाहिल लोग हैं। लेकिन मकसद ये है कि आप क्लब की स्क्रूटनी कर रहे हैं, उसका एक तरीक़ाकार है। आप देखें कि ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा, आप इससे पहले भी बहुत सारे हों, उनको कम से कम निशानदेही कर लें, उसको देख लें। 2002 में भी हुआ है, ये जमील भाई को अच्छी तरह मालूम होगा, उस टाइम भी हुआ था ये सारी चीज़ें, उस टाइम क्यों नहीं आपने उस चीज़ को क्यों नहीं उठाया? अब ये चीज़ें आ रही हैं सामने, तो इसको आप बोगस करार दे रहे हैं क्लब को, ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ा ज्यादती वाली बात। बिल्कुल ज्यादती हो रही है जमील अहमद साहब, जिस तरह जाफर हुसैन साहब कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि ज्यादती होती दिखाई दे रही है। कल आप लोग मुजाहरा करने जा रहे हैं कराची प्रेस क्लब पर, क्या लाए अमल होगा आप लोगों का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से क्या मुतालबा करेंगे? हमारा कोई, इन्होंने हमारे जो क्लब जिनको बोगस किया है या जिनको वोटिंग राइट नहीं दिए, इन्होंने कहा है कि आप अपील का हक है, एक हफ्ते में आप अपील कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारा कोई क्लब अपील नहीं करेगा,
हम एक पैसा पीसीबी को देने के रवादार नहीं, एक रुपया नहीं देंगे पीसीबी को, और अपना हक लेकर रहेंगे। और हमारे जितने भी क्लब हैं, हमारे जितने क्लब जिन्होंने फजल महमूद खेला है, उन तमाम को इनको एसोसिएट करना होगा। और हमारे जितने भी क्लब हैं जिन्होंने विंटर लीग खेली है, उन तमाम को इनको जो है ना एसोसिएशन देनी होगी, ठीक है ना। बोगस को तो हम एक क्लब भी हमारा जो है ना बोगस नहीं होगा। तो इसलिए भी होगा कि हमने जब विंटर लीग के लिए चार महीने में क्लब बोगस हो गया, भाई बोगस हो नहीं सकता। देखिए ये जो ना ये एक साजिश है, हम तो खड़े हुए हैं ना, इसलिए खड़े हुए हैं कि ये हमें दीवार से लगा रहे हैं। हमने तीन साल तक इनको कुछ भी नहीं कहा कि आज ठीक हो जाएंगे, आज ठीक हो जाएंगे, आज ठीक। लेकिन हमें महसूस हो रहा है हमें गुलाम हैं, ऐसा लग रहा है कि ये का फसल किया हुआ है, जो भी कहते जाएंगे मान, अब कुछ भी नहीं मानेंगे, कि कोई बात नहीं मानेंगे इसकी, अब हम अपनी बात मनवाएंगे। और नहीं जो कर सकता हमारे तमाम क्लब से पाबंदी लगा दे, और अगर ये खत्म जो खत्म करना चाहते हैं ये करने खत्म। मेरी जो आवाज है ना, मेरी आवाज ये पूरे सिंध के लिए है, पूरे पाकिस्तान के लिए है, ये सब खड़े हो जाए और एक पेज पे आ जाए। मैं कहता हूँ देखता हूँ कि पीसीबी जो है ना किस तरह चलाता है अपना निजाम। यार हमारे बनाए हुए प्लेयर से जो है ना उठा नहीं करते, और क्लब वालों को सलाम बनाया जब प्लेयर बनाते हैं, एक रुपया देखिए भाई सुन लीजिए, तकरीबन 70,000 रुपए जो है ना एक क्लब को देने हैं सालाना। आप मुझे बताएं गरीब का क्लब देगा 7,500 रुपए इनके जो है ना सालाना फीस है, 5,000 रुपए क्लब की रजिस्ट्रेशन फीस है, 10,000 रुपए जो है ना जो ये अगर आपने अपील कर ली 10,000 यहाँ दे रहे हैं, 38,500 रुपए आपको अगर 7 मैच खेल रहे हैं ना, ये जो आ रही है समर लीग 5,500 रुपए एक मैच के, 70,000 रुपए बनते हैं, 70,000 रुपए एक क्लब, एक रुपया भी नहीं देंगे इनको। और क्रिकेट करानी है कराए, नहीं करानी बाहर में जाए, बहुत हो गई यार जातियां बर्दाश्त की जाएंगी यार, समझे ना यार। हम इनको चाहिए एक बार बताइए पीसीबी जो है इसका काम हमारे क्लब की मदद करना है या उनसे मदद लेना है, ये तो मदद ले रहे यार, मतलब हम खेले इनको पैसे दें, हम क्लब चलाएं, बच्चों को सामान दिलाएं, मैच अरेंज करें, सब करें, जब वो यार वो भी काम हम करें, ये काम भी हम करें, यानी जुल्म पे जुल्म हो रहा है। जमील भाई रात को भी कोई जुल्म हुआ है आपके ग्राउंड पे? आज रात को भी जुल्म हुआ है ग्राउंड के ऊपर। जुल्म ये हुआ है कि टीएमसी का हमला और असिस्टेंट कमिश्नर साहब वहां पर आए और उन्होंने आके कहा कि जनाब अली ये जो आपके पास जो ऑर्डर है ना ये इसको हमने कैंसिल कर दिया है और ये जो असिस्टेंट की अप्रूवल है, जबकि हमने जो अब तक मालूम दी है तो वो एसोसिएशन ने इनको अप्रूवल नहीं दी थी, इन्होंने इतना मतलब ये कि अपना ऑर्डर निकाला है, उसके हम जो है तहकीकात भी कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने ईस्टर्न स्टार ग्राउंड और नाजाबाद जिमखाना ग्राउंड इन दोनों पे जो है ना ये बैठे हैं और इन दोनों ग्राउंड को उन्होंने बर्बाद कर दिया। एक ईमानदार जिसके डायरेक्टर नदीम था उसको वहां से हटाया, जिसने 26 महीने में 52 लाख रुपए कीमती में जमा कराए थे ईस्टर्न स्टार से, उसको वहां से हटाया। बिल्कुल जमील साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, मजहर साहब से बात करते हैं। मजहर साहब 70,000 रुपए पर क्लब है अगर होगा तो फिर क्रिकेट होगी सिंध के अंदर, कैसा देखेंगे ऐसे? देखें 70,000 रुपए हम इनको क्यों दें? ये आगे जो है टीवी पे और जो है सारी जगहों पे आके ये बोलते हैं कि हम ग्रास रूट लेवल पे जो है बड़ा जो है कर रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पे इन्होंने काम किया क्या है? ग्रास रूट लेवल पे तो हम ऑर्गेनाइजर्स काम कर रहे हैं जो जहाँ कराची के अंदर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टूर्नामेंट कर रहे हैं। देखें अभी तक जो है जो कराची ये इन्होंने जब से एडॉक लगाया है कराची के एक वाली वारिस हैं जिनका नाम है एजाज अहमद फारूकी साहब, जिन्होंने पहले 80 क्लब का जो है पूरा कराची का टूर्नामेंट करवाया, उसके बाद 180 क्लब का पूरे सिंध का करवाया, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया। हम अपने हम गरीब जो है जो लोग ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके क्लबों को सपोर्ट करते हैं ताकि अच्छे से अच्छा प्लेयर निकले। जो ये काम करने जा रहे हैं ये तो हमारे जड़ें काट रहे हैं, ये तो हमारे क्लबों को जो है ना उड़ा रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम करना नहीं चाह रहे। अगर ये जो ये जो सिस्टम लेकर आए हैं कंप्यूटर वाला के ये कर जो है ये कंप्यूटर, यार मुझे बताएं कि ये बता दें चले कराची के अंदर लाहौर के अंदर इस्लामाबाद के अंदर तो कंप्यूटर अवेलेबल हैं,
क्या अंदरून सिंध में आपको कंप्यूटर अवेलेबल होंगे? क्या आप समझते हैं कि अंदरून पंजाब में जो है ना कहाँ से जो है कंप्यूटर आएंगे? और जिस तरीके का इतना लेंदी प्रोसेस इन्होंने किया है, आईटी डिपार्टमेंट इन्होंने रखा है, आईटी डिपार्टमेंट रख के उन्होंने उनको 4-4 लाख रुपए सैलरियां दे रहे हैं और उन्होंने प्रोग्राम बना के हमको दे दिया कि भाई इसको आप इस्तेमाल करें। और भाई हम कहाँ से आईटी डिपार्टमेंट वाले लेकर आए? हम तो क्लब चलाना हमारे लिए मुश्किल है। ये दरअसल एक सोची समझी स्कीम के तहत जो है पाकिस्तान के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी क्लब क्रिकेट चलाना चाह रहे हैं, उन क्लब क्रिकेट को जो है वो बर्बाद करने जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं ये खुद इनके जो सिंध एसोसिएशन के अंदर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने हम लोगों को बोलते हैं माफिया, माफिया हम लोग नहीं है भाई, हम तो क्रिकेट कराने वाला, माफिया ये लोग हैं। असर भाई, आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि नेशनल स्टेडियम पे जाके मुजाहरा करें बजाय कि आप प्रेस क्लब पे जाके मुजाहरा करें? देखें इस वक्त हम देखें, बिल्कुल आपने सही बोला, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की कोई बदनामी हो। इस वक्त इंग्लैंड की टीम बड़ी मुश्किल से आई है और जो है हम नहीं चाहते कि दुनिया का मीडिया जो है इसको गलत रंग दे। और जो टीमें बड़ी मुश्किलों से जो है पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की एजेंसीज ने जिस तरीके से काम किया है और जिस तरीके से जो है ना वो टीमें आ रही हैं, हम उसके ऊपर खल डालें। हम जो है गलत लोग नहीं हैं, हम लोग क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अगर हम चाहते, हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका था कि हम नेशनल स्टेडियम के अंदर तो नहीं जा सकते, हम रोड पे खड़े होकर जो है एहतजाज करते तो इनका क्या हाल होता। मगर हम लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम एक पुरमन लोग हैं, हम कोई गलत काम करने वाले नहीं हैं, हम कोई माफिया नहीं हैं। हम जो है अपना पुरअमन जो है एहतजाज जो है प्रेस क्लब पे जो है जाके अपना रिकॉर्ड कराएंगे और उस वक्त तक हम जो है एहतजाज करते रहेंगे जब तक ये हमारा सबसे मेन काम ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एक इशू यही है कि जो कराची के जानबूझ के पूरे पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ हमें नहीं पता कि क्या सिलसिला हुआ है, वहाँ पर भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना मसले से, मगर कराची के 231 क्लब के साथ जो ज़्यादती की है इन्होंने, वो हम ज़्यादती नहीं होने देंगे। किस तरीके से हमारे क्लब चलाए जाते हैं ये हमें पता है, हम लोग अपने बच्चों के पेट काट कर हम जो है क्रिकेट चला रहे हैं, हम जो है ग्राउंडों की फीसें दे रहे हैं, हम जो है एक चीज़ अब कराची है उसमें ठीक है मान लेते हैं, लेकिन बात यह है कि कुछ ज़्यादा ही क्लब नहीं हो गए हैं, बहुत ज़्यादा क्लब नहीं हो गए कराची जैसे शहर में, क्योंकि ग्राउंड तो इतने ज़्यादा हैं भी नहीं। जी प्लीज़ प्लीज़ जी, ये ज़्यादा क्लब 1978-79 कराची की कौमी असम्बली की सीटें थी, 7 सीट थी, रिकॉर्ड देख लें आप कौमी असम्बली का, ठीक है जी, और 7 ही जोन उस वक्त वजूद में आए कराची में, ठीक है जी, 7 नेशनल सीट्स थी और 7 ही हमारे जोन थे। आज कराची की 22 सीटें हैं नेशनल असेंबली की और जोन वही 7 हैं, तो हम तो कहते हैं बढ़ना चाहिए। हाँ, जो लोग एक्टिव नहीं हैं उनके खिलाफ आप देखें ना, और एक्टिव ये देखें आप कि आप क्लब को जो बुनियादी हैसियत रखता है, मैं तो चिल्ला रहा हूं कई सालों से, आज ही नहीं, कि जो क्लब के लोग हैं वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुख्तलिफ ओहदों पर, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लैया हो, भक्कर हो, लाहौर, हमारे जैदी साहब हैं 50 साल में हमारे सर का ताज हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर में सबसे सीनियर पाकिस्तान में इस वक्त, उनसे सीनियर कौन होगा बताइए, साजिद इस्लाम बुखारी साहब माशाल्लाह, और बड़े लोग हैं, मियां असलम साहब एम्पायर थे वो भी इस्लामाबाद के लोग हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग इस वक्त, हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जनाबे वाला, तो जैदी साहब जो हैं वो इस वक्त उनको लेके आएंगे। हमेशा से मैं कह रहा हूँ भले कोई भी ओहदा हो, पाकिस्तान टीम के साथ किसी को मुंसलिक करना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी को देना है, तो क्लब के लोगों को लाया जाए, क्लब वाले ही सारा काम करते हैं। सर कैसे मुमकिन है शायद भाई क्लब के लोग, अब जैदी साहब को जो है ना वो नेशनल T20 में एक टीम का सेंट्रल का जो है ना वो मैनेजर बना दिया गया है, हालांकि कितना एक्सपीरियंस है, तो उन जैसे लोगों को ले आते हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ये तो आपके सामने ये चीज़ें, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरह मामला गड़बड़ हैं, जिस तरह उल्टे सीधे मामला चल रहे हैं, इनको संभालना होगा। लेकिन इसमें शाहिद साहब एक चीज़ है कि जो हमारे लेजेंड हैं वो भी आवाज़ उठाते हुए नजर नहीं आ रहे इस पर। भाई शरीफ लोग कैसे आवाज़ उठाएंगे मुझे बता दें आप, अब देखें ना कितने अच्छे डिसिप्लिन के साथ जो है ना ये प्रेस क्लब में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। मकसद ये है कि जो सुलझा हुआ इंसान होता है ना वो कभी उंगली नहीं उठाता, वो सह लेता है, ये आपने देखा होगा। तो ये भी फिर क्लब वाले जितने भी वो भी सहते हैं ना, नहीं देखिए शहजाद साहब हम सह सह के अब जो है ना हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गए, ये चाहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं ये अपने अपने घरों को चले जाएं और पीछे से हम अपनी जो दिल चाहे मनमानी करें, मगर हम लोग इनके देखें पीसीबी हमसे है, हम पीसीबी से नहीं है, पीसीबी को हमारी जरूरत है, हमें पीसीबी की जरूरत नहीं है। 4 साल से ये डॉक लगा हुआ है, इन्होंने कौन से मैच करा लिए, पीसीबी को हम अपनी मदद आपके तहत जो है टूर्नामेंट करवाते हैं,
और जो है टूर्नामेंट में हमारे बच्चे खेलते हैं, ये जितने भी अभी जितने लड़के आपको नजर आ रहे हैं ये हमारी हमारे ऑर्गेनाइजर्स की और हमारी पैदावार है। आज तक जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौन सा देखें, आज जितने भी बड़े बड़े जितने भी जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं इनको बोले कि आप हमें एक साल जो है ना अपना क्लब चला के दिखा दें, हम मान जाएंगे। मदर भाई रमीज राजा तक की बात पहुंची है या सिर्फ ये हम मीडिया में और ये स्कूटनी तक या क्लब तक की बात चल रही है वहां तक? रमीज राजा साहब को भी सब कुछ पता है, सब कुछ पता है उसको भी, जाहिर बात है जिस दिन वो देखें शुरू शुरू में जब आते हैं ना तो बड़े जो है ना वो पुरतबाग तरीके से आते हैं, जिस दिन आए उन्होंने बोला कि भाई मैं क्लब क्रिकेट के लोगों से मिलूंगा, जाके जो है लाहौर के जो है लोगों से मिले थे ना क्लब क्रिकेट, तो क्लब क्रिकेट के लोगों ने अपनी रिजर्वेशन वगैरह हर चीज़ बताई थी। देखें जब रमीज जब मानी साहब आए थे, मानी साहब ने इमरान खान के कहने पर जो है वन मैन शो करके आपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन आपने खत्म कर दिया, हम ये समझे कि रमीज राजा साहब जो है ना क्रिकेटर बहुत अच्छा काम करेंगे, क्लब क्रिकेट की पैदावार है और उसको आके जो है ना मेरे ख्याल में हम लोगों की जो है ना बात समझेगा, हमारी क्लब क्रिकेट के लोगों की प्रॉब्लम समझेगा, मगर उसने तो आगे और ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया यार। देना ये हमें तो समझ से बात आ रहे हैं, क्रिकेटर क्रिकेटर का दुश्मन है क्या? देखें जो भी क्रिकेटर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठा हुआ है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए ख़त्म करना चाहता है, उसको पता है कि अगर ये ऑर्गेनाइजर्स और इलेक्टेड लोग जो है जब आएंगे तो हमारी जगह कहाँ पर होगी, क्योंकि ये नालायक लोग हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाई जब जो है ना इलेक्टेड लोग जब आ जाएंगे तो ये लोग तो हमसे पूछेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो ये क्या कर रहे हो, उस वक्त थोड़ी कुछ हमें करने देंगे। ये दरअसल अभी इन्होंने फटा इस वजह से हमारे क्लबों को बोगस करार दे के जो है घटिया तरीन हरकत की है, इन्होंने इसलिए की है कि ताकि इनको एक साल का टाइम और मिल जाए, ये दरअसल अपनी तनख्वाहें पूरी कर रहे हैं और अपनी तनख्वाहें जो है ना खा रहे हैं। आप बताएं कि कोई जो तनख्वाह 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी बंदे के खिलाफ बोलेगा? कभी भी नहीं बोलेगा। अच्छा, इसी बोलने पर हम बात कर लें जमील अहमद साहब से। जमील अहमद साहब, जिस तरह बोलने की बात हो रही तो हमारे लेजेंड क्रिकेटर भी कोई ज्यादा बोलते नहीं दिखाई दे रहे हैं, खासकर कराची के लिए। भाई क्यों बोलेंगे वो, आप मुझे बताया ना जब उनको किसी भी पेंशन दे रहा है तो अगर वो बोलेंगे तो पेंशन बंद हो जाएगी उनकी, वो क्यों बोलेंगे? समझे ना, आपको पता है ना अभी 2 महीने पहले 1 लाख रुपए पेंशन बढ़ाई है रमीज राजा साहब ने तमाम साबका टेस्ट क्रिकेटर की, वो नहीं बोलेंगे भाई? समझे ना, इसी शहर से बने, सब कुछ इसी शहर में दिया है और इसी शहर के साथ जो है ना जाति भी हो रही है। मैं सिर्फ आपके तवक्कु से पूरे कराची के जितने भी क्लब हैं 215-16 क्लब जो अपेयर हुए हैं उन सबसे मैं जो ना अपील करता हूँ कि कल 1 बजे प्रेस क्लब तक पहुंच के यकजहती का मुजाहरा करें और पीसीबी को बताएं कि हम सब एक हैं और अब आपकी मनमानियां नहीं चलेंगी और हम जो है ना आपको बताएंगे कि जो है ना कराची वाले जाट। तो मैं तमाम लोगों से और जितने भी खिलाड़ी हैं क्लब जिसके नफर्स हैं वो सब पहुंचे वहां पर भरपूर तरीके का एक मुजाहरा करें और उनको अपनी प्रजे तहफात है जो पीसीबी तक पहुंचा है। बिल्कुल पहुंचाए, बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद साहब आपका विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। शाहिद साहब, जिस तरह जमील साहब कह रहे हैं कि कल तमाम क्लब्स को इकट्ठा होना पड़ेगा क्योंकि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं और क्लब लेवल से प्लेयर्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए इकदाम ये करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनाब इंशाल्लाह कल 21 सितम्बर को कराची प्रेस क्लब, शहर कराची के सारे क्रिकेट क्लब, चलो चलो प्रेस क्लब, बिल्कुल कल सारी राहें इंशाल्लाह खिलाड़ियों की भी और जिनके साथ ज्यादती हुई हैं और इसमें अपील भी हमने की है, हम खुद भी वहाँ पहुँचेंगे और एक जो बहुत ही मौजिब तरीका है, पुरअमन है ये एहतजाज, जो एहतजाज का लफ्ज़ आता है और मुल्क के सबसे बड़े शहर में एहतजाज कुछ नहीं है, प्रेस क्लब में हम वहाँ पहुँचेंगे और वो जो बात कही गई थी वो हमने इसलिए की है, खैर बदनामी तो खैर कोई नहीं होती है, हम तो अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं ना, कि वो हमारे क्लब है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें वोटिंग राइट्स देने के बजाय आपने हमें बोकस करार दे दिया कि ये तो लफ्ज़ बोकस है, इसको गाली ली गई पूरे पाकिस्तान में बोकस, आप अगर किसी को बताएं कि आप बोकस हैं और आप काम कर रहे हो तब गुस्सा आता है, आप हकीकतन हो बोकस आपको गुस्सा नहीं आएगा, हमें भी इसलिए गुस्सा आया, हमने भी कहा दिसंबर की 22 तारीख को आप शहजादा हैं, ये सैयद साहब सैयद बादशाह हैं, वो राजा हैं और ये अवान है, ये गुलाम दादा यहाँ बैठा हुआ है, दिसंबर की 22 तारीख को मैं आप इन सब इतने अहम लोगों के सामने कह रहा हूँ, दिसंबर की 22 तारीख को वो नया नजाबाद पे आए, हमारा क्लब बॉब वुलमर खेल रहा था, उन्होंने खेलते हुए देखा
और देखा भी बड़ी ये तो सब कितने कितने साल के, मैंने कोई 18 का है, कोई 19 का, कोई 14 का, कोई 16 का, एवरेज उम्र 17 ईयर है। उन्होंने हमसे पूछा, सवाल जवाब किए, मुझे उन्होंने कहा कि आप हमारे अनसंग हीरो हैं, मतलब छुपे हुए हीरो हैं आप लोग, कल क्रिकेट चलाने वाले, बिल्कुल जनाब मौजूद हैं रमेश साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। और उन्होंने कहा हमको ये, और उन्होंने ये भी कहा कि शायद नवाब साहब आप जैसे लोगों से हम काम लेंगे। चले भाई काम ना लें, काम तो ना लगाएं, उन्होंने तो काम लगा दिया हमारा, हमें बोकस करार दे दिया जनाब वाला। कल 1 बजे हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं, आज कुछ ये जो दिन है हमारी जिंदगी के, हम नहीं चाहते कि हम ये काम करें, हमारा काम ग्राउंड में ही है, लेकिन जब आप हमें बोकस कर देंगे ना, जाफर हुसैन ने सही कहा और आप भी सब ये करें। मेरी बात हुई है एक बड़े जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार हैं, उन सिंध में बैठते हैं, उन्होंने भी ये कहा है ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड कहा है कि हाँ यार बोकस तो नहीं कहना चाहिए। मैंने आप जब किसी से भी सवाल करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस रिटर्न है बोगस, बोगस यहाँ तो लिखा हुआ है, सनद हो गई, तो इसलिए कल इंशाल्लाह 1 बजे बिल्कुल है जी। मदर साहब आखिरी कोई जुमला, आखिरी जुमला ये कि कल हम जना ऑल सारे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को जो नहीं आ सकते वो हमारे साथ जो है साथ दें, मॉरली सपोर्ट करें। सिंध के जितने लोग हैं हमारे, वो सारे के सारे हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जो इस बोगस के लफ्ज़ को देखें, बोगस के मामलात को अच्छे तरीके से, और जितने भी लोग हैं वो क्रिकेट से जो मोहब्बत करने वाले, क्रिकेट खेलते हैं या नहीं खेलते, मोहब्बत करने वाले लोग आप लोग, मीडिया के लोग हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, कल 1 बजे जो है वो वहाँ पर जो है ना प्रेस क्लब पे आए, और पुरअमन तरीके से हम जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये पैगाम देना चाहते हैं कि भाई हम लोग बोगस नहीं है, बोगस आप लोग, बिल्कुल बोगस आप लोग है। जाफर हुसैन साहब है, बड़े मामलात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और स्कॉटी के चल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, तो समझते हैं कि अब जिस तरह थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि ये आवाज़ है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ ज़ादे तक भी पहुंची है या नहीं पहुंची है, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेटर्स के साथ ज़्यादती अगर इस किस्म की होती रही तो ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए अच्छा होता दिखाई नहीं देता। देखें वर्ल्ड कप के बाद 2019 के बाद जो ज़्यादतियाँ चल रही हैं क्रिकेटर्स के साथ वो आपके सामने हैं, कितने लोग बेरोज़गार हुए, कितने लोग जो है ना वो बेचारे रोड पे आ गए, ये सारे मसाइल क्रिकेटर्स के साथ रहे, डिपार्टमेंट बंद हो गए, बड़े बड़े मसाइल रहे, ऊपर से फिर ये बोगस क्लब हो गए, तो देखें गाली दे देते, बोगस ना कहते कम से कम, क्योंकि मेहनत करते हैं दिन रात, मेहनत करते हैं हमारी आंखों के सामने, लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर प्लेयर्स को बनाते हैं और उनको बोगस करार देना ये सरासर नाइंसाफी है। शाहिद नवाब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मजहर अवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तितम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद।